अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को बताया कि फाइनल अलाटमेंट फर्स्ट राउंड की आ चुकी है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टूडेंट्स ने अपलोड कर दिए हैं और ज्वाइनिंग रिपोर्ट का यहाँ पे अभी किसी कैंडिडेट को ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या काम करना है और ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपने कब और कैसे अपलोड करनी है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी सीट को जब वो फ्रीज़ किया, फ्रीज़ करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो अपलोड किए, जिसमें आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट, करेक्टर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड कर दिए। उतने आपने अपलोड कर दिया, वहां पे आपको अब कोई ऑप्शन वहां पे आता नहीं है। तो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, देखो अभी आपने क्या काम कर लेना, डॉक्यूमेंट्स आपने चढ़ा दिए, जो कॉलेज आपको मिला है आपने उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देंगे। जो ही वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वहां पर वेरीफाई कर देंगे, अगर आपका जो है जो पोर्टल पर नंबर दिए हैं अगर वो आपको लग नहीं रहे हैं तो मेल आईडी जो दी है आप उन पर मेल करके उनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, नहीं तो गूगल पे जाके कॉलेज की वेबसाइट से आपको कहीं ना कहीं से नंबर्स मिल जाएंगे, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर दीजिए। वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो ही वो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई कर देंगे, तो जिस तरह से यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ ज्वाइनिंग दिखा रहा है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। डिटेल ऑफ ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग रिपोर्ट का यहाँ पे आपको, यानी कि डिटेल ऑफ ज्वाइनिंग का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। अभी आपको वहाँ पे सिंपली डॉक्यूमेंट्स ही दिखा रहा है। तो आपने क्या काम कर लेना है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट कॉलेज वाले भी अपने पोर्टल पर चढ़ा देंगे तो आपको भी वो सेंड कर देंगे, चाहे ऑनलाइन दे देंगे आपको या ऑफलाइन वहाँ जाके दे देंगे आपको। तो जो ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे ऐसा ऑप्शन आपको आ जाएगा, आपने अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट को जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे डालनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट पे ही मेंशनड होती है, वो आज या कल की होगी, जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे वही डेट वहाँ पे मेंशन होती है। ये करने के बाद आपने सेव एंड अपलोड करके अपना जो है फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है और ये प्रोसेस आपने कोशिश करनी है 15 से पहले करने की। अगर नर्सिंग या बाकी किसी कोर्सेज में उनमें लेट हो जाता है या जनरल के कोर्सेज में लेट हो जाता है तो टेंशन नहीं लेनी है आपने, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। स्पेशली नर्सिंग के कैंडिडेट्स को यहाँ पे काफ़ी डिले हो जाती है प्रोसेस, तो 15 के बाद भी आपकी प्रोसेस चलेगी, लेकिन कोशिश करना 15 से पहले अपना काम जो है वो सारा कुछ खत्म करने का। तो नेक्स्ट स्टेप आपका यही है, डॉक्यूमेंट्स आपके जो ही कॉलेज से वेरीफाई हो जाएंगे, वेरीफाई होने के बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट डालनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है और सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद आपका डीबीटी का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और डीबीटी की कोई लास्ट डेट नहीं होती है, उसमें आपको बैंक वगैरह की डिटेल्स डालनी होती है, उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो अपलोड करूँगा, जाके देख लेना उसको। लास्ट ईयर के भी वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल का जो नेक्स्ट स्टेप था वो मैंने आपको बता दिया और जिसने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हैं वो अपने अलॉटेड कॉलेज के साथ कॉन्टैक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा